Please press the bell icon to get the latest updates on Page 3 Reporter. माननीय अमिताभ बच्चन जी क्यों महान है, हमने सिर्फ एक कुर्सी रखी थी, उन्होंने कहा आप बैठेंगे तो ही मैं बैठूंगा, नहीं तो मैं भी खड़ा रहूंगा। शायद यहाँ बैठे हुए लोग सब पत्रकार भी नहीं जानते होंगे, एक जन्मदिन 11 अक्टूबर को आता है और 1000 लोगों को नया जीवन देके जाता है, ऐसा अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन आज हम मना रहे हैं। मेरे मित्र सहयोगी आनंद पंडित ने मुझे कहा, किरीट जी आप ये जो काम कर रहे हो आईका स्वाभिमान आने सीनियर सिटीजन सम्मान तना ऐकड़ा तो मशीन दे दो अक्टूबर को वैसे ये मशीन 10,000 20,000 25,000 की आती है, 1,000 लोगों को आपके जन्मदिन के निमित्त हमने ये हियरिंग एड दिया जिसके कारण इनको नया जीवन मिला और उसमें से हमने दो मशीन बचाए रखी थी, जो कि हमारी विनंती थी आप हमारे उपक्रम में आए जिसके कारण ये कार्यक्रम को ये अभियान को और एक ऊंचाई होगी और वो दो लोगों को हम आपके हाथ से आज मशीन देना चाहते हैं। हमीर जी जाडेजा और यशोदा सोनावणे कृपया त्यांना मशीन देऊया। जो दिव्यांग लोग हैं उनको हम अभी हाथ और पैर जो देते हैं वो ऑर्थोडॉक्स देते हैं, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक हाथ हमने ये प्रसाद को दिया है। चमत्कार देखो प्रसाद, ये प्रसाद का हाथ यहां से कट गया है और देखो अभी गणपति का चित्र निकाल रहा है। वेलकम टू बिग बी। और दूसरा ये कली, इसकी कमाल देखो आप, कहां से पैर गया है तुम्हारा, यहां से गया है प्रसाद का हाथ, यहां से गया इलेक्ट्रॉनिक हाथ दिया है वो देखा आपने। अभी सलीम का चमत्कार देखो, सीनियर सिटीजन को आत्मविश्वास देने जा रहे हैं। किरीट जी, आनंद भाई, यहां उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने का श्रेय आनंद पंडित जी को जाना चाहिए, हमारे मित्र हैं और एक तरह से हमारे परिवार के सदस्य बन गए हैं। मुझे पता नहीं था कि ये कार्यक्रम किस तरह का होगा, लेकिन आज यहाँ आकर के स्तब्ध हो गया हूँ जिस तरह का नेक काम किया जा रहा है इस संस्था की ओर। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को और इस संस्था को जिन्होंने ऐसे लोगों की मदद की है जिनके बारे में शायद ही लोग सोचते हैं या जिनकी जो असुविधा है उसके बारे में सोचते हैं। जिन लोगों के पास शरीर का कोई अंग चला जाता है, आम लोगों के पास ईश्वर की दया से पूरा शरीर है, उनके पास अनुमान नहीं लगा सकते हैं आपकी उनको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना पड़ता है।
मैं कई जगह पर अपने जो व्यक्तिगत उदाहरण है वो देता रहता हूँ। बहुत सारे ऐसे मेडिकल कैंपेन्स के लिए मैं काम करता हूँ, चाहे वो पोलियो हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, हेपेटाइटिस बी हो, और हर बार मैंने प्रयत्न किया है कि अपना कोई एक निजी उदाहरण दे सकूं। बहुत से लोग कहते हैं आप अपनी बीमारी के बारे में क्यों बात करते हैं, लेकिन मुझे उसके बारे में बात करने से ना कोई डर है और ना असुविधा होती है। बहुत से लोगों को शायद पता नहीं था, जब मैंने टीबी कैंपेन शुरू किया तो मैंने उनसे कहा कि इसके बारे में जो कैंपेन है वो मैं अपने साथ जो हुआ है, जो बीता है, उसका वर्णन करके इस कैंपेन को करूँगा। 2000 में जब मैंने कौन बनेगा करोड़पति शुरू की, उस समय मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता था और वो कुर्सी पर बैठने में तकलीफ होती थी। कुछ इन्वेस्टिगेशन किए और पता चला कि मुझे ट्यूबरकुलोसिस हो गया है। उस डिटेक्शन के बाद उसका इलाज हुआ और आज मैं टीबी से मुक्त हूँ। इसी तरह हेपेटाइटिस बी 1982 में कुली की शूटिंग करते समय मैं घायल हो गया था एक एक्शन सीक्वेंस में, और उस समय बहुत सारे खून की ज़रूरत पड़ी थी, तो तकरीबन 60 बोतल खून, प्लेटलेट्स वगैरह इसकी ज़रूरत पड़ी थी, और 200 लोगों ने खून का योगदान दिया था, तब जा कर के मेरी जान बचाई गई। एक सज्जन उनमें से, उनके खून में हेपेटाइटिस बी वायरस था जिसे डिटेक्ट नहीं किया गया और वो मेरे शरीर के अंदर चला गया। उस समय ये जो वायरस था, ये हेपेटाइटिस बी ऑस्ट्रेलियन एंटीजन से कहते हैं, बहुत नूतन वायरस था, अभी भी इसकी सारी जानकारी पता नहीं थी लोगों को, इसलिए उसका टेस्ट भी नहीं हो पाया था, लेकिन मुझे भी पता नहीं चला कि वो वायरस मेरे शरीर के अंदर है। सन 1982 के बाद सन 2005 में एक आम इन्वेस्टिगेशन के तौर पर ये पता चला कि वो वायरस मेरे शरीर के अंदर है और उसने मेरे लिवर को 75% खा लिया है। आज अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मेरा लिवर जो है वो केवल 25% है, 75% वो हेपेटाइटिस बी की वजह से ख़त्म हो गया। लोग ऐसे कहते हैं कि 12% अगर आपका लिवर हो तो भी आप जीवित रह सकते हैं। कहने का ये मतलब था कि अगर मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ तो सही डिटेक्शन हुआ, उसका सही इलाज हुआ और मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ एक आम आदमी की तरह। आज जब बहुत से लोगों ने बात की कि किस तरह एक शरीर का अंग लोगों का चला जाता है, सुनाई नहीं देता हूँ, तो इसके बाद भी मुझे याद आया कि एक दिवाली के दिन त्यौहार पर एक अनार जो था वो मेरे हाथ में फट गया और मेरा बाएं हाथ जो था वो पूरा एक मांस का एक रूप बन गया, ना उंगली थी, ना खून थे, ना कुछ था। धीरे धीरे उसका इलाज किया और धीरे धीरे वो सब वापस आ गया। कहने का तात्पर्य ये है, मेरा हाथ चला गया, वापस आ गया, लेकिन जितने महीने ये मेरा बाया हाथ नहीं था मेरे पास, कितना कष्ट होता है जब शरीर का एक अंग उसे आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसका आपको कोई अनुमान नहीं। आप कपड़े नहीं पहन सकते, मैं अपनी कमीज का बटन नहीं बंद कर सकता, पतलून नहीं पहन सकता, मैं बाएहत्ता हूँ तो मैं बाएं हाथ से कुछ कर नहीं सकता, सारा कुछ बदलना पड़ता है और सहयोग लेना पड़ता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि जो तकलीफें इन लोगों को उठानी पड़ती हैं जब इनका एक शरीर का अंग चला जाता है, उनको पता है कि इन्हें वापस नहीं मिलेगा। ईश्वर की कृपा थी कि मुझे मेरा शरीर वापस मिल गया, इन्हें नहीं मिला। इसलिए जो योगदान आप कर रहे हैं किरण जी और अनंत, इनको किसी तरह से सहायता देने की, ताकि उनका शरीर दोबारा काम करने लग जाए। और जैसे आपने अभी उदाहरण देखा किस तरह से उन्होंने पेंटिंग बनाई, और वो जो सज्जन पुरुष थे, वो अपना उनकी टांग नहीं है लेकिन फिर भी पता नहीं चलता जिस तरह से वो काम करते हैं कि उनका शरीर नहीं है, उनको मैं बधाई देता हूँ और आप दोनों सज्जन पुरुष को और इस संस्था को बधाई देता हूँ। इसी ओर मैं आनंद पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे जन्मदिवस के दिन 1000 लोगों की मदद की। मुझे पता नहीं था कि
आप ऐसा करने वाले हैं, लेकिन मैं अनेक धन्यवाद देता हूँ आपको आनंद जी, और आशा करता हूँ किरीट जी कि आपकी इस संस्था की ओर से आगे भी यदि कोई भी ऐसा कार्य हो जिसमें हमारी उपस्थिति, हमारे चेहरे, हमारे आवाज़, हमारे शरीर से कोई मदद मिल सके तो उसका उपयोग कीजिए। कई जगह कहता हूँ मैं कि अगर मेरा चेहरा और शरीर गुजरात टूरिज्म बेच सकता है तो ये तो मैं कर ही सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आपने मेरा सम्मान किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सब लोगों को अनेक अनेक धन्यवाद देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम की शुभकामना की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नमस्कार। और आप लोगों को बताऊं कि बच्चन साहब ने अभी अपनी संस्था को और यही काम के लिए 11 लाख रुपए का डोनेशन देने का भी ऐलान किया। आई थिंक हम स्टैंडिंग ओवेशन के साथ में यहाँ पर जरा खड़े होके सरकार इतने इतनी बड़ी व्यक्ति हमको बाकी सब थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।